हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ क्लास बीएससी सेकंड ईयर मैथ्स। हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था और हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आप ध्यान रखिए, ये फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी सॉल्यूशन आपके पास निकल सकते हैं उनके मेथड हैं। ठीक है, सॉल्यूशन किसके निकलते हैं, यानी कि वाई के निकलते हैं। वाई मतलब क्या है, परतंत्र चर, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के लास्ट जो मेथड हमने पढ़ा था वो था रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। ठीक है, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रैखिक अवकल समीकरण, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये हम लोग पढ़ेंगे और ये होगा रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये रैखिक अवकल समीकरण होता क्या है, पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, फिर हम समझेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे इस मेथड को। यदि किसी अवकल समीकरण में, याद रखिए एग्जाम के अंदर जब आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि डेफिनेशन आती है, तो पूरे बुक में से आती है। अब आपको देखिए कि इस बुक में डेफिनेशन कहां से आएगी, तो वो इन्हीं में से आएगी। कि बताइए रैखिक अवकल समीकरण किसे कहते हैं, तो आपको हर एक टॉपिक हर एक डेफिनेशन को ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर छोटे छोटे क्वेश्चन निकलते होंगे तो बड़े क्वेश्चन से हम क्या उम्मीद रखेंगे। तो अवकल समीकरण में आश्रित चर, ठीक है, आश्रित चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल तथा उसके अवकल गुणांक केवल प्रथम घात में आते हों। ठीक है, तो ये था आपका, उसे लीनियर डिफरेंशियल यानी कि रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। अब देखिए क्या कहता है, किसी अवकल समीकरण में आश्रित चर, आश्रित कौन होता है, वाई, और उसके अवकल गुणांक यानी कि dy अपॉन dx केवल प्रथम घात में आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और क्या है, आपस में गुणित भी नहीं होते हों, ये भी एक नियम है इसमें, हम देख लेते हैं पहले। जैसे हम एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं कि dy अपॉन dx है, ठीक है, और आश्रित चर क्या है, y, तो ऐसा है, देखो ये y ऐसे मल्टीप्लाई में आ गया, x इक्वल टू मान लेते हैं 5, ये एक आपका समीकरण है, आपका समीकरण तो है लेकिन ये रैखिक आपका समीकरण नहीं है, क्योंकि नियम कहता है कि y जो है वो क्या है, परतंत्र चर है, आश्रित यानी कि परतंत्र चर, और इसका अवकल गुणांक कौन है, dy अपॉन dx, तो ये दोनों आपस में गुणित रूप में नहीं आने चाहिए, ये भी नियम है। ठीक है, y व उसके, y का मतलब परतंत्र, ठीक है, यानी ओनली y, उसके अवकल गुणांक गुणित नहीं होने चाहिए, गुणित नहीं हो, गुणित माने गुणा के रूप में, गुणित नहीं हो। ठीक है, वाई का मतलब परतंत्र, तो वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे हैं, मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE। ठीक है, अब और कैसे कैसे हो सकता है कि ये नहीं बने,
तो ऐसा हो सकता है देखो dy अपॉन डी एक्स का स्क्वायर कर दिया हम प्लस y स्क्वायर एक्स बराबर 5। ये भी एक रेखीय अवकल समीकरण नहीं है। रेखीय अवकल समीकरण नहीं है क्यों? क्योंकि इसकी जो घात है वो कितनी है? मोर देन 1 है और एक ही होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सेम ऐसे ही y जो है वो भी क्या है? आश्रित चर है। ये भी इसकी पावर भी क्या है? 1 से ज्यादा है। तो इस हिसाब से हमारे पास y स्क्वायर x जो है, इस वजह से ये रैखिक अवकल समीकरण नहीं होगी। रैखिक अवकल समीकरण नहीं होगी, ठीक है। अगर होना है इसको रैखिक अवकल समीकरण तो क्या हो, कैसे होगा? जैसे हम आपसे कहें कि dy अपॉन dx प्लस x y, यहां पर भी ऐसे लिख सकते हो आराम से, बराबर 5 2 कुछ भी ले लो। ये क्या है? रैखिक अवकल समीकरण है। x का आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास इस तरह की टर्म मिलेगी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका रैखिक अवकल समीकरण। इसमें क्या है? जो परतन चर है y, उसका ऐसे गुणा नहीं हो रहा। x का गुणा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परतन चर गुणा नहीं होना चाहिए। और y है वो भी सिंगल पावर, सिंगल घात में होना चाहिए, एक घात में, ठीक है ना। और dy / dx भी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? रैखिक अवकल समीकरण। अब हम इसको फाइंड कैसे करते हैं, उसके लिए हम फॉर्मूला पढ़ते हैं। आप इसकी हम कहें तो जनरल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसके बारे में देखते हैं। तो रैखिक अवकल समीकरण की प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण का मानक रूप, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो आप लोग देखिए। तो हमारे पास dy अपॉन dx प्लस p ऑफ xy बराबर q ऑफ x, ठीक है। ये क्या है? एक रैखिक अवकल समीकरण है। ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका। y के साथ में जो भी है x का फंक्शन होगा, और q ऑफ x भी क्या है? x का फंक्शन है, क्लियर। और ये dy अपॉन dx है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, जैसे हम फर्स्ट समीकरण दे रखी है, यहां पर p ऑफ x का मान मिल गया, q ऑफ x का मान मिल गया। अब सॉल्यूशन क्या होगा? जब हम सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, जो p ऑफ x और q ऑफ x स्वतंत्र चर हैं x के, स्वतंत्र चर x के फलन है, राइट, ठीक है। अब ऐसे समीकरण को हल करने के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। आई एफ का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि समाकल गुणक। आपके पास छोटे छोटे सवाल आते हैं, उसमें ये मेन सवाल होता है कि निम्न रेखीय अवकल समीकरण का समाकल गुणक ज्ञात करो, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक मेन पार्ट है, और कैसे निकालते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। हमारे पास e की पावर p ऑफ x dx, ये आपके पास आई एफ होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है? आई एफ। इस आई एफ को निकालने के बाद समीकरण का हल क्या होगा? और वो होगा आपके पास, जैसे इस dy / dx रूप में है, ठीक है। तो dy / dx रूप में है तो y क्या है? परतंत्र है, यानी y का मान निकलना चाहिए। तो
y इंटू आई एफ इक्वल टू समाकल का साइन आई एफ इंटू क्यू ऑफ एक्स, ठीक है, और डी एक्स प्लस सी। ये आपके पास सॉल्यूशन है या हम कहें तो इसका व्यापक हल है, ठीक है। अगर आपके पास इसमें डेक्स में चेंज करता हूं डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर डी एक्स अपॉन डी वाई होता, ठीक है, अगर डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर डी एक्स अपॉन डी वाई होता तो यहां पर क्या हो जाता पी ऑफ वाई एक्स और यहां पर क्या हो जाता क्यू ऑफ वाई। तब हम सॉल्यूशन कैसे निकालते, यहां पे y आ रहा है, यहां पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा, x इंटू आई एफ बराबर आई एफ इंटू क्यू ऑफ y डी वाई प्लस सी, ठीक है। तब आपके पास ये हो जाएगा, कोई दिक्कत? आप देखिए ध्यान से, ये टर्म होती है इस तरह की, तब तो हमारे पास क्या होता है ये सॉल्यूशन, ठीक है, और इंटीग्रेट फैक्टर ऐसे निकलता है। अगर बस इसका उल्टा होता है तो ये टर्म इस प्रकार से आती है और इंटीग्रेट फैक्टर भी क्या हो जाएगा उल्टा ही हो जाएगा। इसका आई एफ क्या होगा e की पावर पी ऑफ वाई डी वाई, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास हो जाएगी। अब नेक्स्ट इसके ऊपर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक कैसे इस फॉर्म को हम कैलकुलेट करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्वेश्चन देखें, पहले क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जनरल फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। डी एफ डी से दे रखा है, इसके साथ में कुछ भी नहीं चाहिए होना चाहिए, तो इसको हम भेज देंगे यहां पर। तो ये जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, डी एफ डी एक्स अकेला आ गया, बाकी टर्म को हम नीचे ले आए। अब आप देखिए ध्यान से, ये डी एफ डी एक्स है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, डी एफ डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई बराबर क्यू ऑफ एक्स, राइट। इसे कंपेयर कर लो तो वाई के छोड़ के जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो किसका है, पी ऑफ एक्स का। तो इसका मतलब यहां पर पी ऑफ एक्स क्या हो गया, बाई कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और सेम ऐसे ही क्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा ना। तो हमारे पास जो पी का मान आ गया तो हम रख देंगे इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालने के लिए, ठीक है भाई। आपने देख लिया कि ये क्या है, ये है एक रैखिक अवकल समीकरण है, पहले पहचान लो उसको है या नहीं है, रैखिक अवकल समीकरण है। अब इस समीकरण को पहचान लिया तो हमने क्या निकालेंगे इस, क्योंकि हमने कंपेयर किया तो ऐसी बन रही थी, तो हमने पी एफ एक्स समान निकाल लिया, क्यू एफ एक्स समान निकाल लिया। आई एफ के अंदर हम देखेंगे, ठीक है, ई की पावर पी डी एक्स यानी कि ई की पावर टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और ए डी एक्स। देखिए इस तरह के समाकल करने के लिए, इस तरह के समाकल करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ई की पावर ये नीचे वाला जो है उसका हम करेंगे अवकलन, तो ऊपर वाला मिलना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन करोगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा टू एक्स, और वन का क्या हो जाएगा जीरो,
जब ऐसा होता है तो उसका मतलब नीचे वाले का लॉग लेकर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट। अब ये होगा तो ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। आप जानते हो ई से लॉग कैंसिल हो जाता है। अब हमारे पास ये तो आ गया आईएफ, अब हम लगाते हैं फॉर्मूला, सॉल्यूशन क्या होगा इसका। भाई हमारे पास जो है क्यू के साथ लेके चलेंगे तो वाई इंटू आई एफ, हम लिख लेते हैं फॉर्मूले को, बार बार लिखेंगे जिससे हमें याद हो जाए, क्यू इंटू आई एफ और ये डी एक्स प्लस सी। वाई इंटू आई एफ कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्यू कितना है, फोर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और आई एफ कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, ये से कैंसिल, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा सॉल्यूशन, वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन और फोर स्क्वायर बचा है तो क्या हो जाएगा, फोर एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस सी, ठीक है। और ये भी वहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू फोर बाई थ्री एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, प्लस सी। तो ये आपका हो गया आंसर वाई का मान, यानी कि ये क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, ध्यान देख दीजिए, ऐसे सवाल आप पहले भी कर चुके 12th में, लेकिन इससे और वहां थोड़ा फर्क है स्टैंडर्ड का। तो आपको ये काम करना है, पहले तो क्या निकालना है, आई एफ निकालना है, ठीक है, वाई इंटू आई एफ, और उसके बाद मतलब कि आई एफ निकालने के बाद यहाँ फॉर्म पुट करनी है और इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो बाय इंटीग्रेशन, राइट, इसी के आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन है, वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स और डी वाई, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिए कि यहां पर जो फॉर्म बन रही है वो डी एक्स अपॉन डी वाई की बन रही है, बन रही है नहीं, डी वाई अपॉन डी एक्स अगर हम बनाते हैं एक बार के लिए, तो मान लेते हैं हम यहां पर डी वाई अपॉन डी एक्स बना रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर क्या बनेगा, वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स। आप बताइए इसको अलग कैसे करोगे, यहां पर ओनली वाई अलग और x का फंक्शन होना चाहिए, जबकि ये फंक्शन तो किसका है, पूरा किसका फंक्शन है, ये पूरा y का, ठीक है। तो इससे फॉर्म नहीं बनेगी, तो हम उसको उल्टा बनाते हैं, हमारे पास जो तो सॉल्यूशन है वो इस वाले फॉर्म में नहीं बनेगा। इसका ध्यान दीजिए कि अगर आप ऐसे फॉर्म बना लेते हो तो आपके पास p ऑफ एक्स वाई, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ में क्या होना चाहिए, पी ऑफ एक्स वाई, तो पी ऑफ एक्स यानी कि एक्स का फंक्शन तो है ही नहीं, फंक्शन पूरा वाई का है, एक्स अलग से होना से मिल रहा है, तो हमारे पास इसको उल्टा कर देंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अब देखिए ये दोनों के नीचे हम अलग कर सकते हैं इसको, तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, इस टर्म को मैं उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स अपॉन वन प्लस
वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप एक्स को हटा दो और एस से, डीएक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स को से हटा दो, तो ये जो टर्म बनती है हमारे पास, ये क्या बनती है, पी ऑफ वाई, यानी कि पी बन गया। और यहां पर तो पूरी टर्म है ही किसकी, वाई की है, तो इसका मतलब अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी ऑफ वाई एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ वाई, ठीक है। यानी कि पी तो क्या हो गया, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, और क्यू क्या हो गया, टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसका क्या निकालते हैं, आई एफ यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा इसका, e की पावर पी डी वाई, ठीक है, आई एफ ये बनेगा। और पी डी वाई का मतलब क्या हो गया, पी का मान है वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, तो ये क्या बन के आएगा हमारे पास, e की पावर टेन इनवर्स वाई, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, ये हमारा क्या बन जाएगा, आई एफ बन जाएगा। अब निकालते हैं सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के लिए देखते हैं, तो सॉल्यूशन के लिए हम देखते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई है, तो यहाँ पर एक्स आएगा, एक्स इंटू आई एफ इक्वल टू, और यहाँ पर क्या आता था पहले, आई एफ इंटू क्यू ऑफ एक्स, अब आ जाएगा क्यू ऑफ वाई प्लस सी। आई एफ क्या है हमारे पास, आई एफ है e की पावर टेन इनवर्स y, ठीक है, तो x इंटू e की पावर टेन इनवर्स y, यहां पर भी क्या आ जाएगा, e की पावर टेन इनवर्स y, q ऑफ y क्या है, टेन इनवर्स y अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, यही है ना। तो इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे, यहां पर dy भी लगा दो, dy हम भूल गए हैं, dy आ जाएगा। अब सॉल्यूशन निकालते हैं, तो हम पुट करते हैं, लेट या माना टेन इनवर्स y बराबर टी, यानी कि वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, डी वाई बराबर डी टी, पर दिक्कत यहां पे क्या जाएगा, x इंटू e की पावर t इक्वल टू e की पावर t इंटू टी अपॉन, और इस पूरे का टर्म क्या हो जाएगी, डी टी, टी इंटू डी टी, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, अब सॉल्यूशन किससे होगा, ये क्वेश्चन बाय पार्ट से होगा, और आपको इसको याद भी होना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन होता क्या है। अच्छा, हम यहाँ पे कर देते हैं, ये मान लो हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया हमारे पास सेकेंड फंक्शन, तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं, सेकंड का करते हैं समाकल, ठीक है, भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट, खंडशह समाकल जिसे हम कहते हैं, तो e की पावर t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t, e की पावर t का समाकल, और फिर पूरे का समाकल, ये फॉर्मूला होता है ना, तो ये जाएगा टी ई की पावर टी माइनस डी टी अपॉन टी क्या हो जाएगा वन, और ये जाएगा ई की पावर टी, ठीक है, तो ये हो जाएगा टी, यहां लिख देते हैं हम ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी, और ये है एक्स इंटू की पावर टी, देखो ई की पावर टी कॉमन आ रहा है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ई की पावर टी का भाग दे दिया, तो टी माइनस वन, ठीक है। और हाँ, यहां पर सी भी बचेगा, सी तो भूल गए आप, तो ये सी है आपका, जो सी में भी आएगा e की पावर क्या आएगा, माइनस यहां पर आने आएगा, नीचे आ जाएगा, या तो प्लस का सी रहेगा, ठीक है, और प्लस सी e की पावर माइनस टी। अब टी का मान देते हैं, तो टी का मान क्या है, पुट टी बराबर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई
माइनस वन प्लस सी की पावर माइनस टेन इनवर्स वाई, ये आपके पास वैल्यू है, ये यानी कि सॉल्यूशन है ये, ठीक है। सी इज अ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, ठीक है, सी इज आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, समझ में आ गया होगा सवाल कैसे करना है, बहुत इजी सवाल है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और फॉर्म बनानी आनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।